वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 4x + 2 - 1x + 3 = 4x + 2x + 1। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है 4x + 2 - 1x + 3 = 4/2x + 1। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा x + 2 और x + 3। अब 4x + 2 को जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 (x + 3) एंड देन माइनस x + 2 को जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1 × x + 2 = 4/2x + 1। ठीक, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 12 - x - 2 / इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x और ये x मिला के हो जाएगा x2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6 = 4/2x + 1। ठीक, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - x, दिस इज बिकम 3x एंड देन +12 और -2 दैट विल बिकम +10 और नीचे हो जाएगा 3x + 2x, ये हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा x² + 5x + 6 = 4/2x + 1। ठीक, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x + 10 ((4)/(x²+5x+6)। ठीक, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3x को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, जो अभी यहाँ पे बताया था, तो उस तरीके से सॉल्व करने पे आएगा 3x (2x), दिस इज बिकम 6x² + 3x + 20x + 10 और अंदर 4 से मल्टीप्लाई करने पे इसको क्या आएगा, दिस विल बिकम 4x² + 20x + 24। अब ये जो राइट हैंड साइड का था इसको हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 6x² + 3x + 20x + 10 फिर -4x² - 20x - 24 = 0। अब इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, जो एक्स स्क्वायर है उसको एक्स स्क्वायर के साथ पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर जो एक्स वाले हैं उनको एक्स वाले के साथ कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये 20x था, फिर जो नंबर है उसको हम लोग नंबर के साथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 6x² - 4x, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 2x² और 3x और 20x 23x और 20x -20x, तो ये इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा +3x और +10 और -24 दैट विल बिकम -14 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं, 2x² + 7x - 4x
minus 14 is equal to 0. Why I'm doing this? See, plus 7 or minus 4, that will become plus ka 3. ठीक, अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? इसमें कॉमन आ जाएगा x, that will become 2x plus 7. इधर भी लिख सकते हैं 2x plus 7. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 and that is equal to 0. तो एक इक्वेशन बन गई x minus 2 और एक आ जाएगा 2x plus 7 and that is equal to 0. मतलब x minus 2 is equal to 0, that means x is equal to 2. और अगर हम लोग 2x plus 7 is equal to 0 consider करते हैं, तो ये हो जाएगा x is equal to minus 7 by 2. तो therefore x is equal to either 2 or minus 7 by 2, and that is the answer of your question number 18.